तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम। तो कैसे आप सभी लोग, खाई पाप बढ़िया होंगे। तो अभी बज चुके हैं 8 और हम जा रहे हैं जयपुर। और निशिया भी जा रहे हैं, निशिया आगे उठ के। जय श्री महाकाल भाई। तो अभी चलते हैं हम ट्रेन से। कौन सी ट्रेन है ये पता नहीं है, बस ट्रेन है। तो 10 जा रहे हैं 8 बजे वाली से। तो अभी चलते हैं, क्या लेने जा रहे हैं ये तो आपको अभी चल के पता चलेगा। मैं, निशु भैया, नवीन, तीनों जा रहे हैं हम तीनों सिस्टम। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं स्टेशन में और अभी ट्रेन आने वाली है। कहाँ पहुंची? नदी में। और भाई ड्यू, अरे भाई छुपाने से क्या होएगा, मम्मी देख ला यहाँ आधा ही ड्यू ले आयो या ड्यू ना छोटा बस इस सिस्टम में। निशुभा ने देखी सर ड्यू में ये भाई ड्यू ले आया, टिकट कटाने गया था। गाइस भीड़ देख सकते हो आप, खतरनाक है। 3 घंटे तक खड़े खड़े जाना पड़ेगा, खड़े खड़े चलेगा सिस्टम। गाइस नवीन तो आगे निकल गया, हम दोनों यही रह गए। दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा है, यहाँ से दिख गया सिस्टम में। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं माधोपुर और फाइनली ये दोनों खड़े हैं, पर मेरे को सीट मिल गई पार्टनर वाली। भाई खड़े रहो, आपको भी देंगे कोई, आगे जाओ। हमने लड़के दूसरों को बिठा दिया, हम खड़े हो गए। अच्छा गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं। कहाँ पहुंच गए? बन चुके जयपुर पहुंच गए जंक्शन में और खड़े कर दिए मैंने। भाई चलो उतरो अब तो, और ये तो खड़ा था ऐसे ही भाई, जयपुर के छाओ में खड़ा ही है गई। जयपुर जयपुर जाऊंगा मैं, चाहे खड़ा ही जाऊँ। हाँ तो गाइस फाइनली हम उतर चुके हैं। कहाँ उतरे आप? जयपुर जंक्शन में। तो अभी जाएंगे हम, चलते हैं। कहाँ चलते हैं? ब्लॉग में बने ना। तो गाइस अभी हम बैठ चुके हैं ऑटो में और अभी जा रहे हैं, देखते हैं मिलवाते हैं आपको किस पे घर जा रहे हैं। अभी तो ब्लॉग में बने ना एंड तक। तो गाइस हम ऑटो में से उतर चुके हैं। इधर कुछ ज़्यादा ही पतली गली थी और ऑटो की कंडीशन बहुत ख़राब थी, इस वजह से हैंड वैंड चल रहा था। वो अंकल जी भी कुछ नहीं कर सके, स्थिति भी बहुत ख़राब थी, इस वजह से उनको पैसे देने पड़े। हाँ गाइस उनकी स्थिति देख के हमने कुछ बोला भी नहीं। हाँ आदमी यार। तो गाइस अभी पहुँचते हैं। हेलो उतरेगी वो कहाँ है? ऊपर ही है। आ गया भाई, हमने सोचा भाई सरप्राइज देंगे हम आपको, पर आपका तो पता था यार सब। मेरे को तो पता था ही। क्यों पता था जो आपको सरप्राइज देते हैं आपको? मेरे को पता होना चाहिए यार। बोल दो कि नहीं था पता? नहीं 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 था, मैंने कुछ रख रखा था। हेलो भैया। हेलो अंजलि दीदी का। हेलो, हमें खास लगी यार आपकी। चलो भाई ये मेरा घर छोटा सा। अरे कहाँ छोटा सा यार, ये छोटा सा मस्त है, खतरनाक। और भी परेशानी हुई। हाँ तो गाइस हम घर पे खाना खा के आए थे, फिर भी इन्होंने पता नहीं क्योंकि इतनी मेहनत करना पड़ता है यार, निकलना पड़ता, जरूरी नहीं होता भाई, हम घर के इंसान हैं। तो मैं सबके लिए करती हूँ, अच्छा खुद को अच्छा लगता है। हाँ इन्होंने बोला वेज बनाना, बस वेज होना। तो गाइस सभी तैयार हो गए और इन्होंने मेरे को भी तैयार कर दिया, दिखाओ। बहुत प्यारा किया है गाइस, आपको पता है मैं कभी तैयार नहीं होती, पर आज इन्होंने कर दिया। बहुत क्यूट लग रही हूँ मैं खुद को भी, आपको कैसी लग रही हूँ कमेंट में बता देना। और ये देखो आप तो पहचानते ही नहीं होंगे। अरे आपको कौन नहीं जानता, पर मुझे आज से जान लेना मेरे को, मैं उतरा मीना ब्लॉग से। हाँ है ना। तो गाइस ये भी देखो कितने क्यूट लग रहे हैं, गुलाबी तू तो बोल रही है गाइस, ये गुलाबी आंखें, गुलाबी साड़ी। चलो गाइस देख ही नहीं है ना मेरे को, देखेंगे ना सब इसके साथ। ये कौन है? ये कौन है? मैं तो मेरे को तो ऐसे भी कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानते? सब जानते हैं ना। बेटी बेटी, बेटी। गाइस लगता है आपको क्या बेटी इनकी? लगता नहीं है ना? एक बार आप बेटी हो इनकी? नहीं बहन है ना। नहीं गाइस आप बताना ही क्या है मेरी। हाँ है ना, क्या लगती है आपको? वैसे देख लेंगे कहीं ना कैसे निकालते। तो गाइस हम चल के इधर आ चुके हैं भाई, ऑटो आ चुका है हमारा बहुत देर में। ऑटो का इंतजार कर रहे थे, पता क्या हुआ?
ओ गाइस हमारे लॉन्च नहीं मारे लॉन्च तो गाइस हम पहुंच चुके हैं वही यहाँ पे है इवेंट। अब आपको बताते हैं यहाँ पे इवेंट है जो हमें इनवाइट किया था वही जोधपुरिया बरखमा मूवी है। हाँ बरखमा मूवी है इसका इवेंट है जो राजवीर भैया और निक भैया और इन्होंने रखा है। तभी चलते हैं अंदर। बहुत सारे क्रिएटर्स आए हुए हैं उनसे मिलवाएंगे आपको। और ये देखो इनमें से एक ये है। क्या कर रहे हो कुछ ही नहीं एक हमारे आगे आगे चल रहे हैं नेक्स्ट फोर है जी कमेंट आज के सबसे बड़ा कमेंट अजय जी निशा जी निशा सामने आ जाओ निशा ज्वाइन सुपर सिंगर भी आ चुके हैं तो चाहते हैं कि यार सारे लोग एक साथ ज्वाइन कर ले बल्ली बालपुर और डीजी मवई। डीजी मवई वो शख्स है जो गाड़ी की सीट पे बैठ के अगर किसी गाने को गा दे तो मुझे नहीं लगता कि वो गाना वायरल होने से रुक जाए। वेलकम अच्छा सीट पे शक्ल भी नहीं दिखाता बंदा बस इतना सा दिखाता आधा गाल के देना हो इधर ही दो क्योंकि लड़कियों को बल्ली बालपुर वेलकम आइए अरे आओ चलिए आओ गाने का टीजर प्ले करते हैं और हम चाहेंगे कि इस गाने को देखकर आप अच्छा लगे तो सीटी मारना बुरा लगे तो कान में गाली बकना क्योंकि कान पास में आ जाता है। रंग प्रीत को पहुंच चुकी है लेट हो गया। हाँ आपके पहले पहले आई हूँ मैं भी हर जगह हम फिक्स टाइम जाते हैं जल्दी पहुंच गए तो नीचे डाउन जाते हैं ना लाइव चलो लाइव चलो मैंने बहुत पहले देखा था 22 मिलियन इनके सब्सक्राइबर है यूट्यूब पर और ये बहुत फेमस क्रिएटर है। इनको YouTube हमेशा बुलाता है जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है और हमारा सौभाग्य कि आज इन्होंने हमें ज्वाइन किया। एक बार प्लीज इनके लिए क्लैप कीजिए। 22 मिलियन कम नहीं होते हैं बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर होते हैं और ये नहीं निशा का नंबर तो लेट आएगा थोड़ा सा छुप रही है नैना नहीं नैना का भी नंबर लेट आएगा पीछे बैठी है ना तो दूर से बुलाने में टाइम लगता है। मैं पास की बात कर रहा हूं अंजलि की बात कर रहा हूं अंजलि 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 अरे आइए ना प्लीज मेरे को दिखी नहीं एक्चुअली ग्रेट वेलकम अंजलि आपने हमें ज्वाइन किया बड़े तालियां तालियां के लिए बहुत दूर से चल गया बूंदी से चल गया ना लाखीरी से लाखी था बूंदी में इंद्रगढ़ इंद्रगढ़ बूंदी में जहां माता जी का मंदिर है माता जी का मंदिर है वो कहां शंकर भगवान के मंदिर के पास में ऊपर इसके ऊपर है क्या अच्छा हाँ तो ये बहुत दूर से चल के आए हैं सिर्फ हमें ज्वाइन करने के लिए और इन्होंने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। थैंक यू सो मच हाँ प्लीज दे रहे हैं ना दे रहे हैं ना वही कर रहे हैं हम वो प्रोसेस हम कर रहे हैं सर। हाँ यार आप समझ रहे हो हमें कर पेमेंट लिया हमने एक बार प्लीज इसके लिए ताली बजा दीजिए बहुत प्यारी बहुत प्यारी क्रिएटर है ये वैसे फोटो खिंचाने में इधर आइए ना पीछे क्यों रहिए इधर खड़े होइए ना ऐसे धीरे से बोलते हैं बहुत अच्छा लगा और आप हमें उम्मीद है जैसे हमने उनके वहाँ पर रिकॉर्ड किया है ना वैसे आपका एग्रीमेंट भी कर लेते हैं यहाँ पर आप ये वी स्टैंड विद राजस्थान सिनेमा अपने हर पोस्ट के अंदर मेंशन कर दीजिएगा मतलब डाल देना आपको हैशटैग हटाना नहीं है परमानेंट रखना है ना
और जो ये गाना पीछे बार बार प्ले हो रहा है ना, ये इसलिए बजाया जा रहा था आपको पसंद आ जाए, नहीं आएगा जरूर बनाएंगे, पसंद तो आएगा। और आपके दो तीन अकाउंट है ना, सारे अच्छे चलते हैं, दो अकाउंट है दोनों बढ़िया चलते हैं ना, तो आपको इसमें पूरी तरह से सपोर्ट करोगे ना, आपकी आवाज में कोई जरूर 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 लग गया, जरूर हट गया हो गया सभी, जरूर पक्का पक्का। थैंक यू सो मच अंजलि, अंजलि थैंक यू सो मच प्लीज। ये जीवन क्या गर मांगे तू मेरी जान, क्या बात है क्या बात है, हो बड़ बड़ती जा दो एक बार अंजलि से फ्री रहते, एक बार फटाफट घुमा दे, ठंडी में बहुत बार पी ले मंगाओ न बीयर। तो हमारे ये तो गाइस आज के हैं हम खाना खाने, एक प्लेट लगी बस अभी, सुनो सबको यही बैठना है क्या, सबको यही बैठना है क्या, भाई सभी सब हम खाना वाना खा के फ्री हो चुके हैं, मैं तो, और ये भी खा रहे हैं मेरा दीदी इक्स भैया, और ये क्या नाम है इनका, निशा दीदी, और बाकी और खा रहे हैं अभी चल रहा है। तो गाइस इनकी मेरी मम्मी बहुत बड़ी फैन है और मैं भी हूँ इनके यूट्यूब में बहुत, हाँ अरे वाह करना पड़ता है। ये देखो ये अंजलि जी और आज हमसे मिले ये, और ये बता रही है कि इनकी मम्मी है ना हमारी फैन है, हाँ तो मुझे अफसोस हो रहा है कि ये नहीं है इनकी मम्मी और मम्मी है नहीं यहाँ पे, बताओ गाइस मैं क्या करूँ, मैं भी हूँ ना अभी आप पर मम्मी बहुत बड़ी है यार, मम्मी ने मेरे से बोला उनसे मिल के आ, मैंने आपको मैसेज भी किया पर वो है ना कि रिप्लाई नहीं दे पाते हर किसी का, हाँ तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कहाँ मिलेंगे अब, तो किस्मत से वो मिल गए। तो आज कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको बताओ आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा। तो गाइस मिल लिया फाइनली आप मम्मी, मिल ली मैं वो कहते थे मम्मी मैं खाटू पहुंच गई वैसे मम्मी मिल ली मैं, ये भी कहते मम्मी को बोलना ना दौड़ने वाला है हमारा बंदा साथ है। तो मम्मी जी हमारा प्रणाम आपको, अफसोस है कि आप नहीं आए, आपसे मिलने का आनंद अलग आता, चलो ये तो कोई बात नहीं, ये छोटे बहन आप बड़े बहन आपसे मजा आता, नेक्स्ट बार मिलेंगे फिर कभी है ना। छोटी बच्ची है अभी विलन कौन था इसमें मूवी में? मैं कह रही थी ना
विलन उनके अलावा कोई हो ही नहीं सकता। बाय, लोग को देखते रहो, मौज करते रहो, ठीक है? कल मिलेंगे अपन। कल कहाँ मिलोगे? आ जाएंगे, लाखेरे आ जाएंगे। आ जाना ले रहे हो? हाँ यार, कहाँ चलोगे हमें घुमाने? चलो चलते हैं गाइस, यहाँ से फिर वीडियो हो गए, सब अभी चल रहा है, सबका कोई नहीं रोक कितने, यहाँ सब वीडियो बनाओ, पूरे पागल हो चुके हैं वीडियो में। हाँ, रियल बात ही है। मैंने ओनली फॉर एक ही वीडियो शूट करी है यहाँ पे। हाँ हाँ, बड़ा उधर करेंगे ना यार, सही है। हाँ, लगे ही नहीं थे बिल्कुल, यकीन हो गया। अब लग रहे हो? चलें गाइस, पता नहीं उपहार में दे रहे हैं। गाइस यहाँ सब अपने अपने कप लेने के लिए खड़े हैं, सब अपने अपने कप ले रहे हैं। सब हम ब्लॉग में आ रहे हैं, ब्लॉग में आ रहे हैं क्या भाई साहब? नमस्ते, नमस्ते, जय श्री राम। आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं। आज का ब्लॉग कल करेंगे। नहीं, आज का यहीं खत्म करते हैं। नहीं, आज का कल करेंगे। अंजलि आ जाना यार, ले लेंगे चाय को कब लेकर। याद रहोगे यार, देर यार ये हीरो पे जान में नहीं आती। अरे अरे, अब पहचान गई मैं हीरो को। पहचान गई? हाँ। अगर तू काउंट करेगा ना तो मेरे को भी नहीं पता मेरे कितने बच्चे हैं। हर गली मोहल्ले में होंगे। अब बोल वो वाले ले जाओ सारे, वो वाले कौन से? छोड़ दिया गली में, छोड़ देंगे सबको ही। काट दिया एक बार बकरी वाली आवाज। वो अनऑफिशियली था, वो ऑफिशियली नहीं था। एक बार दाल मत दियो तू, एक बार हीरो ये है गाइस, क्योंकि इन्होंने मेरे को अब प्यार से बढ़िया नजर उतारी थी इन्होंने, इस वजह से मैं पहचान गई कि हाँ ये हीरो है। सबसे बड़ी बात बताऊं, ये छोटी अंजी है ना, बहुत शैतान है, इसको मालूम था कि कैसे अटेंशन लेना, इसलिए बोला ये फोटो में जो है आती है करके छेड़ती है, इसका मतलब है बहुत चालाक लड़की है ना। गाड़ी गेट पे लगाई थी, आप मेरे को भी लेके चलो, तभी तो हमने गाड़ी गेट पे लगाई थी। अच्छा, हम यहाँ पे उधर से इधर कहाँ लेके जाओगे? हाँ लेके जाएंगे, हमारे घर लेके जाएंगे। हमारी मर्जी में तो कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ लेके जाओगे ऐसे बोल रहे थे, मैंने हमारे घर लेके जाओ। पूछ रही हूँ ना, हमारे घर आपका घर कहाँ है? हमारा घर वहाँ, वहाँ कहाँ है? वो जो रोड थी इसी तरीके से, रोड कहाँ है? रोड ये रही चौकटी के पास, चौकटी के पास। चोटी कहाँ है? चौकटी नहीं, चोटी नहीं, चौकटी जहाँ मजदूर रहते हैं सुबह 9 बजे। अच्छा, फिर हम मजदूरी करवाते हैं, लेकिन आएंगे फिर कभी। अब चुके WTP के सामने और यहाँ चल रही है भाई हमारी पार्टी, आइसक्रीम पार्टी, आइसक्रीम की। सभी आ गए भाई, कोमल दीदी, साक्षी दीदी और वो शान वगैरह सब हम आ गए यहाँ बैठ के आके। तो गाइस मेरी इच्छा नहीं बिल्कुल भी वीडियो बनाने की, इच्छा भी नहीं, निशुवा ने मना कर दिया क्योंकि मुझे इसका रिएक्शन पता है, कौन सा रिएक्शन कब देती है, तो वैसे मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि इसका मूड ही नहीं है वीडियो बनाने का, क्योंकि गाइस थक गया हम वहाँ पे, डीजे वगैरह चले इस वजह से। अभी बिट्टू दीदी और तो निकल गई और ये भी जा रहे हैं, ठीक है मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। वो तेरे की यार मेरा गुलाब गिर गया, मिलते हैं आपकी शादी में।
मेरी शादी होगी नहीं। बस में बैठना यार, बस में बैठना यार। ठीक है भैया, जब भी होगी तब आना। ठीक है भाई, तू पांच ही मिलवा जाए एक बार में उस पे। हमारे वीडियो में कमी रह जाओगे तो कमी तो सुख पूरी कर दूंगा यार। फॉलो भी कर दियो, मतलब आईडी सर्च करवा दे, किसी फॉलो करवा दे। फॉलो भी तो गाइस ये डुग्गा भी जाने कहां कहां से आ जाता है देखो। और पता नहीं जाने किसके 500 के की पार्टी में यहां पर पहुंच गए ये बंदा। कहां पहुंच गया? आईफोन लेने आया हूं भैया, आईफोन लेने आया हूं। ले लिया, बस जा रहे। और रियल बता रहा हूं भैया, लाखरी वाले सुने रहोगे इन जैसे भैया लाखरी में एक भी नहीं है यार। लाखरी में नहीं, मैंने तो कहीं नहीं देखे, कहीं देखे ना। बढ़िया तारीफ किया है इन्होंने, धन्यवाद इनका। बोलने का सबका नेचर इनका भैया का बहुत अच्छा है, धन्यवाद। फॉलोअर्स नहीं है बाकी दिल बहुत बढ़ गया भैया का। फॉलोअर्स तो हो जाएंगे, कितना टाइम लगता है एक वीडियो बनाने में। फॉलोअर्स में हम ध्यान देते ही नहीं है ना। काम बहुत बड़ा है ना उनका, यूट्यूब पे चलते है ना। जा जा ये हो वहाँ ध्यान देते वही। हाँ तो गाइस हम जा रहे हैं अभी, ये देखो परेशान हो गए ना, बहुत ज्यादा परेशान हो गए गाइस। मैं निक्स भैया को ऐसा बोलना चाहती हूँ कि दोबारा हम आपको कॉल करके कहीं भी नहीं आएंगे। उन्होंने हमको बोला कि नहीं तुम लहंगा पहन के आओ, अच्छी लगूगी, बड़ा प्रोग्राम है। और अंजलि मैं परेशान हो रहा हूँ यहाँ पे। तो गाइस अब हो चुके हैं रेडी, घर पे आके हम निकल लिए हैं कपड़े चेंज, और अभी हम जा रहे हैं हाई पिंक पिंक हमने ट्यूनिंग करी है गाइस। हाँ, और थक गए ना आज तो, मैं तो बहुत हालत खराब होगी एकदम। मेरी दोनों बेटियां बनाएगी खाना। हाँ, पक्का। हमें तो कुछ नहीं करना इस बात में, तो बिल्कुल मेरे आलस ही नहीं है कतई, टेंशन नहीं मतलब। ठीक है, हम पहुंच चुके हैं भाई। कहाँ पहुंचे अपन? क्या बोला था मेरे को पता, क्या बोला था मैंने? हाइपर सिटी। अच्छा, तो भाई पहुंच चुके हैं, हम चलते हैं। ये वाला नहीं, महाकाल वाला बीच में बनवाना है। अभी होएगा जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। और मेरा अभी दिख रहा है वहाँ पर, ऐसा बनाएंगे भैया। अंजलि अभी टैटू बनवाने जा रही है, इसका जीव जानता है कैसे बनवा रही है। तो कंप्लीट हो चुका है, भैया ने बहुत अच्छे तरीके से बनाया, थैंक यू भैया। अगला टैटू आपके पास ही बनाने आएंगे पक्का। अभी तो एक की परमिशन मिली, वैसे परमिशन मिल चुकी है, अब तो आते रहेंगे। तो चले ठीक है भैया, सिस्टम में। गाइस अभी हम जा रहे हैं ऑटो में बैठ के, कहाँ जा रहे हैं अपन? टिप्सी। आ चुके हैं भाई, अभी थोड़ा सा नाश्ता वास्ता करेंगे यहाँ, फिर चलेंगे। बहुत ज्यादा गर्मी, मैंने फैन चलवाया तो मुझे लग रही है बहुत ज्यादा सर्दी, तो मैं क्या करूं? ये तो नॉर्मल का पता है। करूं तो क्या करूं? टैटू बताना भैया आपका। गाइस बहुत खतरनाक लग रहा है, और ये था इसको ये डार्क करवा गया है, इनके पहले लाइट था। और अंजलि का भी बहुत ही अच्छा टैटू आज करवाया हमने, मम्मी से परमिशन लेके। खतरनाक लग रहा है टैटू, इनकी बदौलत है क्योंकि ये हमें लेके गई वहाँ पे। क्या नाम था जगह का? हाइपर सिटी। हाइपर सिटी।